लंच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा को दर्दनाक मौत दी गई थी। गोली मारने से पहले उसे बेइंतहा यातना से गुजरना पड़ा। आरोपियों ने उसकी उंगलियों के नाखून खींच लिए। यही नहीं, उसे कई बार बिजली के झटके भी दिए गए। इसकी वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हुआ, मौके पर ही मौत हो गई। बावजूद इसके आरोपियों का मन नहीं भरा तो उस पर गोलियां भी चला दी गई। यह खुलासा शव के पोस्टमार्टम में हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। हथियारों ने बेरहमी से रामगोपाल की हत्या की। पैर के दोनों अंगूठों के नाखून नोच डाले। गोली मारने से पहले चाकुओं से हमला किया। आंख के पास धारदार हथियार के निशान मिले। शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले। चेहरे, सीने और गले में गोलियों के छर्रे थे। शरीर में 30 से 35 गोलियों के छर्रे मिले। कई बार बिजली के झटके भी दिए गए। फोरेंसिक डॉक्टरों के मुताबिक करंट लगने और घावों से ज्यादा खून बहने की वजह से रामगोपाल को ब्रेन हैमरेज हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बहराइच पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल ने एक इमारत पर चढ़कर हरे झंडे को उतार दिया था और उसकी जगह भगवा झंडा लहरा दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसे भीड़ के बीच से अगवा कर इस वारदात को अंजाम दिया। रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दंगाइयों की तलाश तेज कर दी। कई नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें अब्दुल हमीद, सरफराज, साहिर खान, मारूफ अली, ननकाऊ और कई अज्ञात हैं। वहीं हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा के परिवार से लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख की मदद दी गई। मृतक की पत्नी को नौकरी देने का भरोसा दिया गया। सीएम योगी ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, आश्वस्त रहे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा करने वालों पर योगी सरकार के सख्त तेवरों का असर ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गया। हिंसा प्रभावित इलाकों में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। हिंसा के आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन रामगोपाल के साथ दरिंदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे साथ परवेश चौधरी हैं, VHP के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा स्टूडियो में हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, MIM के प्रवक्ता हैं। और इस पूरी डिबेट को मैं स्टार्ट करूं, हमारे साथ हाजी नाजिम साहब हैं, वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। DGP UP, ex-DGP UP डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं पहले कुछ सवालों के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, और वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको इस डिबेट का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आए। उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बहराइच में हुआ, बहराइच में जिस तरह से एक बर्बर हत्या हुई, उसके बाद आज सवाल पूछ रही हूँ कि ये हत्या है या मॉब लिंचिंग है। जिस तरह से रामगोपाल की हत्या की गई, वो मॉब लिंचिंग है। सवाल ये भी आज पूछ रही हूं कि इस हत्या पर सियासी दल चुप क्यों है। सवाल ये भी आज महाभारत में कि हिंदू की हत्या है क्या, इसीलिए खामोशी है। और सवाल ये भी कि तड़पा कर हत्या कर दी गई, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आखिर क्यों। सवाल पर मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं। मैं एक सीधा सवाल शिवम आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। जिस तरह की तस्वीरें आई आज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स ने हिलाकर रख दिया है। बार बार ये कहा जा रहा है कि उसने एक झंडा उतारा, दूसरा झंडा लगाया। सवाल ये है कि क्या इस देश में भीड़ तंत्र और लिंचिंग पर इसी तरह सिलेक्टिव खामोशी होगी क्या? जो हुआ वो हुआ, लेकिन क्या उसके लिए हत्या कर दी जाएगी? इस तरह नाखून उखाड़कर, धारदार हथियार से हमला कर ब्रेन हैमरेज हो गया उसका। सुचारिता जी, सबसे पहले तो एक चीज को एड्रेस करने की आवश्यकता है कि इस देश में जब भी कभी लिंचिंग का नाम आता है तो गिनती के एक दो नाम सुनाए जाते हैं, और वो खास तौर पर एक धर्म समुदाय के होते हैं, मुस्लिमों के होते हैं। इसके अलावा इस देश में ना किसी को लिंचिंग दिखाई देती है, ना इस बारे में कोई बात करता है, लेकिन बहराइच में जो हुआ ये सबने देखा। शुरुआत में प्रोपेगेंडा इस तरीके से गढ़ने की कोशिश की गई कि उस व्यक्ति ने जो है झंडा उतारने की कोशिश की, इस वजह से उसको मारा गया। कुछ ने कहा कि पहले वो हंगामा किया, वह नाच गाना कर रहे थे, DJ बजा रहे थे, इस तरीके से कुछ लोग नाराज
हो गए, इस वजह से जो है उसको मार दिया गया। लेकिन आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि व्यक्ति को पूरे तरीके से प्लान करके मारा गया है। पहले उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, पत्थर बरसाने के बाद उनको अंदर खींचा गया, अंदर खींचने के बाद उनके नाखून खींच लिए गए, नाखून खींचने के बाद उसमें 35 से ज्यादा गोलियों के निशान, छर्रे बता रहे हैं लोग के 35 से ज्यादा छर्रों के निशान है। अब सोचिए, एक आदमी अपना धार्मिक जुलूस लेकर निकला जा रहा है, लेकिन दूसरे समुदाय को उससे इतनी नफरत है कि उन्होंने प्लान करके उसके लिए पत्थर भी रखे हुए हैं, गोलियां भी उसमें मारनी है, उसके नाखून भी खींच लिए और यह हाल कर दिया। और उसके ऊपर मेरे देश में ऐसी पॉलिटिकल चुप्पी है कि कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव और न जाने कौन कौन जितने भी लोग हैं, वो अभी तक मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में डेरा डालकर बैठ गए होते। ममता बनर्जी और तमाम लोग वहां पर इतना हंगामा कर रहे होते, पूरा इंडिया अलायंस वहां पर पहुंच गया होता। लेकिन मरने वाला हिंदू है, जिसकी लिंचिंग हुई वो हिंदू है, जिसके नाखून उखाड़े गए वो हिंदू है, जिसमें 35 गोलियां मारी गई वो हिंदू है, इसलिए किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ना ये लिंचिंग है, उसमें भी जिस दिन ये सब हुआ उससे अगले दिन ट्विटर पर एक ऐसा एजेंडा चलाया गया इस देश के बहुत सारे कथित पत्रकारों द्वारा कि जिस तरह की स्थितियां हैं ये इस वजह से हुआ क्योंकि झंडा हटाया गया। मैं चीज कहना चाहता हूं, झंडा हटा दिया तो मतलब पहली बात तो ये कि इस देश में जो भी इस तरह का कार्य करता है उसके लिए पुलिस है। लेकिन आप क्या गोलियां मार दोगे, मतलब 35 गोली मारोगे, नाखून उखाड़ लोगे, उसको जान मार दोगे, उसको घेर लोगे, क्या क्या कर लोगे? इस देश में खास तौर पर एक समुदाय के जान की ही कीमत है देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मैं एक चीज मानता हूं, बहराइच में जो हुआ ये लिंचिंग है, बहराइच में जो हुआ ये दंगा भड़काने की साजिश है, बहराइच में जो हुआ वेल प्लान्ड है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई नारे की वजह से नहीं, कोई झंडा के उतारने की वजह से नहीं है। हाँ। मेरे घर में पत्थर होंगे क्यों भाई अगर मैं मारता ही नहीं। मैं एक बार शिवम, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं, एक बार मैं जरा, एक खबर भी आ रही है और मैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स पर भी जाऊंगी हाजी साहब, क्योंकि उसके बाद आपके पास आने वाली हूं। आप इंडिया अलायंस में नहीं है लेकिन आपके नेता सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान को लेकर शोर करते हैं, लेकिन यहां पर एक एजेंडा सिलेक्टिव हो जाता है। एक बार एक बड़ी खबर बताऊं कि सरफराज की तस्वीर सामने आई है। कौन सरफराज? जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, उसकी तस्वीर सामने आई है, बहराइच कांड के मुख्य आरोपी की तस्वीर। जरा दिखा दीजिए वो तस्वीर। और सरफराज को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये जो तस्वीर आ रही है ये देखिए आप, हाथ में राइफल लेकर सरफराज ने ही फायरिंग की और उसकी ये तस्वीर अब राइफल के साथ सामने भी आ गई है। अब मैं ये तस्वीर भी दिखा रही हूँ, ब्रेकिंग जरा स्क्रीन पर रखेंगे चेतन थोड़ी देर, मैं इसी पर आ रही हूँ। हाजी साहब आप बोलना चाह रहे थे, मैं हाजी साहब के पास जाऊं, उससे पहले ये बार बार कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि देश में एक हिंदू की इस तरह हत्या होती है लेकिन कोई शोर नहीं मचाता है क्योंकि सिलेक्टिव है। आपको लगता है ऐसा? हाँ सुन लीजिए, अभी जिस तरीके से बार बार हिंदू की बात आ रही थी तो मैं ये कहता हूँ, देखिए मानवता की हत्या हुई है उसके देखिए हम खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जब मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, जब शिवम भाई के मुंह में दही जम जाती है, जब तो नहीं बोलते इन्होंने क्या कहा, अखलाक का नाम है इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने जुनैद नासिर का नाम नहीं बताया। और तो वर्दी धारक थे एक ट्रेन के कोच के अंदर, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने मुसलमान को एक नारे के नाम पर मार दिया जब नहीं बोले। लेकिन जहां पर हमारे यहां पर एक इस्लामिक झंडे को जब उतार कर वहां पर दूसरे झंडे लहराए जाते तो ये क्या अपराध नहीं है? अरे अगर आपको इतना ही झंडा लहराने का शौक है तो मेरी आन बान सन तिरंगा लगा लहराते तो हाजी नाजी आपको वो समर्थन करता। लेकिन सुन लीजिए सुचित्रा जी, मैं ये कहता हूं कि आखिर मस्जिदों से इतनी बेपनाह मोहब्बत क्यों है भाई आपको कि मस्जिदों के पास जाते आप डीजे चलाते और तो और ऐसे ऐसे गाने चलाते मस्जिदों के आगे और अपना झंडा लहराते। अगर आपको मस्जिदों से इतनी मोहब्बत है, जितने भी भारत के अंदर मंदिर है सबको मस्जिदें बनवा दीजिए ताकि आपका जो प्रेम भाव है वो जाग जाए और जो मुसलमानों की मस्जिदों को इसको उल्टा कर देंगे, वो उल्टा कह देंगे तो आपको तकलीफ होगी। मुझे